जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। चाइना मस्जिदों को बार 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 डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आगे स्वाद। चाइना वाले तैयार है इस चीज के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है ना, वो उतनी तेजी से नीचे भी आती है। और नहीं तो क्या। मेरी बहन, याद रखना इस बात को, इस्लाम जिस तेजी से फैलाता ना, उस तेजी से लोग इस्लाम छोड़ के भी जा रहे हैं। अल्लाह तौबा। एक्स मुस्लिमों की फौज लग गई है पूरे पाकिस्तान में और पूरे अंसार में। ओ यस 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 यस, यू आर राइट। वो शायर ने कहा था ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। ऐसे कांप रहे हैं पाकिस्तानी चाइनीज के सामने। बाप आ गया, बाप आ, अब्बू जी दाएं बाएं। बात तो सही है। आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखें मारते हो, आप सड़कों पे, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। ये सब दोगलापन है। लेकिन सितम देखिए। एक कहावत है पुरानी, किसी ने मुझे सुनाई थी कि जब दुनिया में इस्लाम आया था लोग मुसलमान बन गए, पाकिस्तान में जब इस्लाम आया तो ये बावले बन गए। वाह मेजर साहब, वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्या बात कही। चरम सुख। अब जो आखिरी चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल की मस्जिद मौजूद थी, उसको भी टोटली चेंज कर दिया गया है और उसका भी पगोड़ा स्टाइल कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो कैंपेन है, ये मुहिम है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैंने ये तो 10 दफे हुआ है, ये एक मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम किस किस्म के लोग हैं कि हमने इनकी रवैया से सीखा नहीं है। और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं का शिकार हुए चले जा रहे हैं। चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्या चल रहा है? इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह। और ये तो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी है कि एक मुस्लिम जो है और नॉन मुस्लिम्स कभी वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अरे मेरी बहन, पूरी बात बता। तुम्हारी किताब के अनुसार तो जो इस्लाम को ना माने, मतलब कि काफिर, वो तो इस धरती पे जीने लायक नहीं होता। उसका वाजिब कत्ल है, उसका कत्ल कर दो। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, ऐसा तो तुम्हारा इस्लाम है। इनका बच्चा ले तो पूरे संसार से जितने भी गैर मुस्लिम है सबको मार दे, फिर आपस में खुद लड़ लड़ के मर जाए, क्योंकि इनके अंदर भी तो बेहतर तेहतर फिरके हैं, वो एक दूसरे के लिए काफिर है। हाँ भाई हाँ। हमें अपना पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल मजहब चाहिए। खुदा के लिए इनके साथ एक ही तरीका है, लड़ो। और अगर आप नहीं लड़ सकते आप हारेंगे। अब मुझे यकीन हो गया है कि जो एटमी इस्लामी रियासत को इंतशार का शिकार करने के लिए जो साजिश की गई और जो साजिशी किरदार तख्लीक किया गया, वो हकीकत बनकर आज हमारे सामने मौजूद है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो भैया, चाइना ने पाकिस्तान की आखिरी अरबी की स्टाइल में बनी हुई मस्जिद को भी तोड़ के वहाँ पर अपने कल्चरल मस्जिद में तब्दील कर दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये सब करने में चाइना को 5 साल लगे और 5 साल के अंदर कोई विरोध नहीं हुआ। और सबसे कमाल की बात तो यही है कि ना यूनाइटेड नेशन कुछ बोल पाया, ना कुछ कर पाया, ना अमेरिका कुछ कर पाया, ना यूरोप वाले कुछ कर पाए। ये सिर्फ तंकीद करते हैं भारत को। यहाँ जरा सा कुछ ना भी हो तो भी अपनी ना घुसेड़ने जरूर आ जाते हैं। और हमको डेमोक्रेसी का, हमको फ्रीडम स्पीच का, माइनॉरिटी का कैसे ख्याल रखा जाता है, इसका ज्ञान देके जाते हैं। लेकिन चाइना, क्योंकि अपने आप में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुकी है, दुनिया की दूसरे नंबर की शक्ति बन चुकी है, उसका ये कुछ नहीं उखाड़ पाए। और इनकी नाक के नीचे चाइना ने एक एक करके सारी अरबिक स्टाइल मस्जिदों को अपने कल्चरल चाइनीज मस्जिदों में तब्दील कर दिया। खैर, ये खबर सुनकर तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमको भी ये कुछ सीखना चाहिए चाइना से, क्योंकि चाइना अगर ये कर सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं यार? हां भाई हां। खैर, ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तानी लड़कियों को जरूर सदमा लगा है। अब उनके सदमे को हम नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे और उनको हार्ट अटैक तक लेके जाएंगे। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। चाइना में डिफरेंट रहते हैं लोग, उनका सबका बने, लेकिन ये उनका काम तो नहीं बनता था ना कि वो में क्या हो मस्जिदों वगैरह को तोड़े। मैं तो ये क्योंकि जो उनके प्रेसिडेंट है उनको इस चीज पे वो एक्शन लेना चाहिए। ठीक है दीदी। नहीं नहीं दीदी, दीदी दीदी कैसे तो ऑर्डर दिए है शी जिनपिंग ने, गलत है। उनके खिलाफ होना चाहिए ना फिर, कुछ उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाया, यूएस कुछ भी नहीं कर पाया, गल्फ नेशंस कुछ नहीं कर। जैसे लंदन है वहाँ पे भी देख ले, मेरी काफी फैमिली मेंबर्स वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे मस्जिदें वगैरह बनी है। ठीक है, तो वो तो कहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा लोग मानते हैं इस चीज को, तो
तो वहाँ पे क्या किया वो लंदन का प्रेसिडेंट वोट के कह के नई मस्जिद वगैरह खत्म कर दो। ये चीज तो गलत है ना, तो मैं तो इसके खिलाफ जाऊंगी, तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरी बहन, मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री हूँ कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो तुम हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हो, जो तुम गुरुद्वारे तोड़ रहे हो, जो चर्चों में आग लगा रहे हो, तो मेरी बहन ये भी तो गलत है ना। इतना दोगलापना क्यों है तुम लोगों में? खैर मैं ही भूल गया था, आसमानी कौम हो ना, दोगलापना तो तुम्हारे कतरे कतरे में है। इंडिया के मुसलमानों को कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है, उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, लेकिन चाइना के बारे में हमारी मीडिया भी खामोश, पॉलिटिशियन भी खामोश, हर एक की जुबान खामोश क्यों? असल में इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में ये है कि मीडिया भी आ जाता है, इसके अलावा वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो आवाज भी उठा रही होती है, तो आवाम को पता चल रहा होता है। चाइना में ऐसा हमें वो चीज नजर नहीं आती कि मीडिया पे या सोशल मीडिया पे वो चीज जो है ना वो नजर नहीं आती कि आवाम जो है ना वो एहतजाज करती हुई हमें दिखाई दे रही है, या अगर एहतजाज करती भी है तो उनकी आवाजें जो है वो बंद कर दी जाती हैं। अब हम लोग बड़े एहतजाज करते हैं, फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करते हैं, स्वीडन के खिलाफ लोग एहतजाज करते हैं, लोग रैलियां निकालते हैं, इवन इंडिया में कुछ भी वाकया हो जाता है, हालांकि वहाँ पर मुसलमानों को काफी राइट्स है, यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, व्हाई नॉट चाइना, चाइना के खिलाफ? तो इवन हमारी आम पब्लिक को पता ही नहीं है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। करना चाहिए, हमारी यूथ को चाहिए कि उसके खिलाफ जो है ना एहतजाज करे, ठीक है, स्ट्राइक होनी चाहिए कि ताकि जो अब हुआ है वो आइंदा ना ऐसा हो सके। यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो एक मिनट में बाहर निकल आते, वो मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया, और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है उधर हो गया इसलिए, यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? क्यों इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। क्यों इस गलीज और मुल्क दुश्मनी वाली मुहिम का नोटिस नहीं लिया जा रहा, फौरन लिया जाए? आपको हैरान कुन बात जरा मैं बताऊं, वो ये है कि ये मुहिम आज चलाई जा रही है, लेकिन इसकी खबर 30 साल पहले दे दी गई। क्या बात कर रहे हैं बाबा? 30 साल पहले तो फिजा बेबी डायपर पहन के घूमा करती होगी, क्यों फिजा बेबी? लोग हमारे चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं कि उनकी गलत चीजों को नजरअंदाज कर दें? आपको पता है हर चीज चाइना की ही बनता, चाइना की आगे है, ये चाइना की है, अब हमारे सेल फोन है, अपना आईफोन, ये सारी चाइना से, तो इस वजह से हम लोग चाइना की बनाई चीजें इस मांगे, तो इस वजह से चाइना से मोहब्बत है, लेकिन जो उन्होंने काम किया, ये जो हरकत हुई है वो गलत है, तो मैं इस चीज के खिलाफ तो मैं जाऊंगी, बाकी का मुझे पता नहीं है बाकी उनके क्या पॉइंट के खिलाफ भी, फिर अंजाम भी उनका अच्छा नहीं होना, ये भी मैंने कह दिया, अंजाम उनका अच्छा नहीं है, क्या होगा फॉर एग्जाम्पल उनपे भी हो सकता है, कह नाजिल हो जो उन्होंने मस्जिद, अल्लाह माफ करे, ये तो बहुत बड़ी उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने किया गलती किया, तो उनके खिलाफ जो एक्शन भी होना चाहिए, हम इस्लाम का खात्मा करेंगे उन्होंने ये कहा, तो अल्लाह की तरफ से देखें फिर क्या उनपे उनके कह नाजिल होता है, ये तो फिर आप देखेंगे ना चाइना का हाल, फिर आप भी देखेंगे मैं भी देखूंगी। लड़की ने बदुआ दिया चाइना को ऑन द कैमरा, तो उन्होंने गलत किया, मेरे इस्लाम के खिलाफ कोई बात करें उसको खत्म कर कोशिश करें, मेरे पास में मैं तो पैसे मार दूं। वाह 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 वाह, ये होती है ज्यादने, पक्की ज्यादने, इसका बच चले तो ये अभी छाती पे बम बांधे और चाइना के ऊपर जाके फट जाए, ये परवरिश है इनकी, देख लो आप, मरने मारने की बातें करती है इनकी औरतें भी, और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू बेटिया, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, अबे अब्दुल की बहन को तो देख लो वो कितनी ज्यादने, मेला अब्दुल ऐसा नहीं है, थोड़े दिनों बाद लटकी हुई मिलती है, मेला अब्दुल जहर है ना जहर, इनकी नसों में खून के साथ बहता है, वो कभी नहीं बदल सकता ना कभी निकल सकता है। मेरी हिंदुस्तानी बहनों, खास तौर से हिंदू बहनों, संभल के रहा करो, आजकल ट्रेंड और चल रहा है लव जिहाद का, पैसे मिलते हैं इनको मोमिनों को, इस लड़की को फंसाओगे इतने मिलेंगे, इस लड़की को फंसाओगे इतने मिलेंगे, इस लड़की को फंसाओगे इतने मिलेंगे, जो बच्ची होती है ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। नबी सल्लम ने कभी भी जबरदस्ती किसी चीज को डिमोलिश नहीं किया, कोई मस्जिद हो, कोई उनका अपना मंदिर हो, उनका गिरजा हो, इवन क्रिश्चियन भी रहते थे वहाँ पे, आपको पता है, उन्होंने कभी वो भी नहीं डिमोलिश किया, उन्होंने कहा हर मजाहब वाले लोगों को ना जिंदा रहने का और अपने मजहब पे जीने का हक है। ये बंदा सरासर झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है, मुंह पे झूठ बोल रहा है, जिसमें तो इसने दाढ़ी भी उगा रखी है, और ये अपने आप को सच्चा मुसलमान समझता होगा। काबा के अंदर 360 से ज्यादा मूर्तियां थी, डे बाय डे के हिसाब से उनकी पूजा हुआ करती थी, और आप ही के मोहम्मद साहब ने जाके सबसे पहले उन मूर्तियों को तोड़ा है, थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो। आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखे मारते हो, आप सड़कों पे मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, पता नहीं क्या करने आ जाते हैं, अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड है, और ये तो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी है कि एक मुस्लिम जो है और नॉन मुस्लिम्स कभी वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते। चाइना दोस्त कैसे है? चाइना मतलब ऐसे ही अपना फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए हमारे साथ जो है अपना फॉरेन रिलेशन सही रख रहा है, और हाँ, और वो मतलब एक मुस्लिम्स को जो है वो इस बात पर टॉलरेट नहीं करते वो चाइना में,
और वो चाहते हैं कि मुस्लिम स्टेट्स को ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स के साथ कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, नहीं बन सकते कभी फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स कभी नहीं बन सकते। जो लॉयलिटी होना चाहिए वो तो बस अपनी फॉरेन पॉलिसी को ही मेंटेन रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई हर देश का अपना एक इंटरेस्ट होता है और अपने इंटरेस्ट को ही देख के हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। ये बात इस लड़की की बिल्कुल सही है, लेकिन तुम तो चाइना के ना तो दोस्त हो और तुम अपने आप को चाइना का दोस्त समझते हो, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी है, तुम हो चाइना के गुलाम। चाइना है तुम्हारा पप्पा, और चाइना जैसे कहता है ना कि हाँ भाई शहबाज शरीफ उठो, उठ जाता है, आर्मी चीफ बैठ जा, मुर्गा बन जा, तो तुम्हारा आर्मी चीफ मुर्गा बन जाता है। तो ये गलतफहमी में मत रहो कि चाइना तुम्हारा दोस्त है, चाइना की तुम एक कॉलोनी हो, आने वाले टाइम में पूरे पाकिस्तान के अंदर बोली जाएगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां चिंग चिंग चों चों पिंग 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 करेगी। और फिर तुम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा खाना एक है, हमारी भाषा एक है, हमारा कल्चर एक है, तुम चिंग चिंग ही करोगे, चिंग चिंग चों चों ही करोगे। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी उल्टी सीधी लताड़ लगा सकते हैं, ये पूरा पूरा अधिकार मैं आपको देता हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।